मैं सैयद नूरुद्दीन पाशा हुसैनी, सज्जादा नशीन हज़रत पीर महावरी खंडायत और पीर चिनी महावरी खंडायत रहमतुल्लाह। मैं तमाम अवामुन्नास को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हज़रत का जो है उर्स शरीफ का दिन है, बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। हज़रत की तमाम बारगाह चौखंडियाँ नेसरी पिंपल गाँव महाराष्ट्र में और तेनेली इंडी तालुका बीजापुर के सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ पर सब बड़े खुशी से उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। ये बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है संदल माली की जो कार्रवाइयाँ जो एक सरपरस्ती में होनी चाहिए थी, उसे सरकार की एक पाबंदी लगने की वजह से उसे और उसमें रुकावट आई, मगर बात हक की थी तो इसे मैं तस्लीम करता हूँ। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हज़रत की बारगाह में संदल शरीफ जो है इस तरह से हुआ कि हज़रत की दुआओं का फैज़ान मुझे लगता है कि जारी हो गया है, कि बगैर किसी सरपरस्ती के बावजूद भी तमाम लोगों को जो है हज़रत के ज्यारत में और उनके संदल शरीफ में बड़ी खुशियों से उनको उनका दामन दुआओं से हज़रत जो है अल्लाह ताला जो है वसीले में उनकी सभी दुआओं को मुरादों को अल्लाह ताला पूरी करे। और जो भी कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाहु गालिबुन आला अमरी ही वला किन्ना अक्सरना सिला लमून। और जहाँ तक अल्लाह जो है हिफाजत की भी बात करता है, अल्लाहु हफीजुल लतीफ़ुन कदीमुन अज़ल लयून हयूम कयूम लाइलमून। मैं तमाम बीजापुर में सब लोगों से मेरी ये दुआ है हज़रत की फैज़ान में, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे, सलामती से रखे, सेहत से तंदुरुस्त रखे, हमारी सारी तकलीफ़ों को अल्लाह ताला दूर करे। खासकर ये जो कोरोना वायरस की भी बात हो रही है तो उस पर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है हमें ऐसी मुसीबतों से बचाए, और सियासती जो मसले हम लोगों पर जो आते हैं उसे भी अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आने वाले इंशाल्लाह आने वाले साल अल्लाह ताला जो है हज़रत जो हैं ये जो संदल शरीफ का जो मसला है उसे अल्लाह ताला हल करे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला हज़रत पीर महावरी खंडायत उनकी बारगाह में बहुत खुशियों से और हक से संदल माली होगी और तमाम लोगों को जो है इसके फैज़ान में और भी इजाफ़ा और भी बरकतें इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है नाजिल करे।